बागपत के बड़ौद नगर में रेहड़ी पटरी वालों की ठेली हटाए जाने के विरोध में ठेले वाले आज बड़ौद तहसील में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए उन्होंने SDM को ज्ञापन भी दिया। दरअसल आज शहर में ठेलों पर फल बेचने वालों विक्रेताओं ने तहसील पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री के आदेशों के विपरीत पुलिस द्वारा ठेले वालों को हटाया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री ने अवैध टेम्पो स्टैंड, अवैध पार्किंग को हटाने के निर्देश दिए हुए हैं। इन पर तो पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, क्योंकि इनसे उगाही की जाती है। हाथ ठेले वालों का यह भी कहना था कि पुलिस ने पक्षपात करते हुए दिल्ली बस स्टैंड के मुख्य शिकायत केंद्र तक ठेले हटवाए हैं। इसके अलावा मुख्य बाजार में कोई कार्यवाही नहीं की गई। 5 दिन से कामकाज बंद रहने से आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। परिवार में छोटे छोटे बच्चे भूखे बिलबिला रहे हैं। इससे अलग आय का अन्य कोई साधन भी नहीं है। उन्होंने SDM को ज्ञापन देते हुए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया और चेतावनी दी कि इसके बाद भूख हड़ताल भी शुरू कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव जनादेश बागपत। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अनिल महादेव है। अनिल जी, कौन लोग हैं जो प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, क्या मामला है? ये सब रेहड़ी पटरी वाले हैं और ये बहुत परेशान हैं। ये इनकी ठेली हटवा दी गई थी। अच्छा। और इनके बच्चे जो है भूख से मर रहे हैं पिछले 5 दिन से। पुलिस वाले आए और डंडा बजावे भगा देने को। क्यों? ये कहने को जो है योगी आदित्यनाथ के आदेश हैं, जिसमें कि आदेश में तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि रेहड़ी पटरी वालों को जो है परेशान करा था। वे केवल इसलिए है कि ये जो अवैध स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड है, थ्री व्हीलर स्टैंड है, बस स्टैंड है अवैध, उनको हटाया जा, हाईवे साफ करा जा, गाड़ियाँ खड़ी मत होने का। जब इनका बस वहाँ ना चल गए, इनका बस एक गरीब लोगों पर चलता है, गरीब लोगों की रेहड़ी हटवा देते हैं। इनसे आज तक कोई बस स्टैंड नहीं हटा। वे खड़ी गाड़ियाँ भी हाईवे पर ट्रक खड़े हैं अब भी, और PN शर्मा पार्क पर अड्डा है, वो नीचों का तो है, यहाँ पे एक अड्डा है जहाँ पे पेट्रोल पंप बंद है। इनसे मोटा पैसा जाता है प्रशासन, उनको ये कुछ नहीं कहेंगे। एक कोदाने वाला अड्डा है वहाँ पे जो। अच्छा, क्या पूरे बाज़ार में ठेली हटा दी गई है? पूरे बाज़ार में ठेली नहीं हटाई गई, केवल ये जो दिल्ली अड्डे चौराहे से और बिजली घर तक और पर बड़ोली रोड बाज़ार में सभी ठेलियाँ लगी हैं। जो उनको कोई कुछ नहीं कहता। अगर ठेली हटवाई जाए पूरे बाज़ार की हटवाई जाती, और इन्हें कहीं जगह दी जा लग सकती। और इसके साथ साथ जो है दुकानदार अपनी दुकान से सामान बाहर निकालता है, उनको तो कुछ बोलते नहीं, केवल ठेली वालों पर डंडा चलाते हैं, उनके तकत पड़े बाहर, उनको कोई कुछ नहीं कहता। कार्रवाई नहीं होती है तो क्या एक्शन लेंगे अभी अगला? कार्रवाई नहीं होती तो हम भूख हड़ताल पर भेज देंगे। यहाँ हमारे बच्चे तो मरेंगे क्योंकि हम भी मरेंगे।